pastor was arrested for allegedly molesting 20 children in the Kathua district of Jammu and Kashmir. A raid was conducted by the district administration on a specific input that around 20 children were held hostage inside the religious premises. Children aged between 5 to 16 years, including 11 boys, were rescued. All the rescued children were from the adjoining town of Kathua and had been sent there by their parents. What is this? A church. A church. Here, there are children. Yes, this is a child. How many children are there? There are 20 children. How many girls and how many boys? 8 girls and 12 boys. How many people are here? Besides girls and boys, how many people are here? Me and my Mrs. Where are your Mrs.? मेरा मिसेस जो केरला में फ्लड आया इस वजह से उधर गया पिछले कितनी देर से यहां पे नहीं है और 25 दिन हो गया फादर आप पर आरोप लगाए हैं बच्चों ने कि आप उनको सेक्सुअल असॉल्ट करते हो वो बिल्कुल नहीं सर वो बिल्कुल गलत बोल रहा है ऐसा कोई बात इधर आप इधर पूरा जानबूझ कर रहे हैं कोई भी बच्चे से पूछे फादर 20 के 20 बच्चे एक ही आवाज में एक ही स्वर में यही बात बोल रहे हैं कि आप उनका सेक्सुअल असॉल्ट करते हो बिल्कुल सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं ऐसे या ऐसा कोई है बात है नहीं है आप किसी बच्चे से पूछो या ऐसे झूठ क्यों बोलना है ऐसे 20 के 20 बच्चे ये बोल रहे हैं हम किस बच्चे से पूछें आप बताओ किस बच्चे से पूछें आप जो मर्जी बच्चे से द ऑफिशियल सेड दे गॉट इनपुट्स अबाउट द सस्पिशियस एक्टिविटीज इनसाइड द प्रेमिसेस एंड द रेड वाज कंडक्टेड द पास्टर हैज क्लेम्ड टू बी इन एसोसिएशन विद द पेंटेकोस्टल मिशन बट द मिशन हैज डिनाइड इट The police on night of Friday registered an FIR against the pastor under the section 376 of the RPC. Medical tests of all the children were conducted early Saturday morning. शाम को डिस्ट्रिक्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ पे पार्लियामेंट में एक इलीगल अनाथ आश्रम चलाया जा रहा है तो अब हम अपनी टीम में ज्वाइंट एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तहसीलदार और इसके साथ ही वीडियो हेडक्वार्टर ये सभी की टीम लेके हम यहाँ पे मौके पे आए थे और वाकई में यहाँ पे एक इलीगल अनाथ आश्रम चलाया जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है पिछले काफ़ी देर से इसकी जो गतिविधियाँ हैं एक शक के दायरे में थी आज हमने यहाँ से 20 के करीब बच्चे जिसमें 8 लड़कियाँ हैं और 12 लड़के हैं तो लड़कों को हमने अभी बालाश्रम में शिफ्ट किया है और लड़कियों को नारी निकेतन में और इनका हम पेरेंट्स के साथ हम अभी कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करने का जैसे ही होगा इनको इनके घरों में हम भेज देंगे सर बच्चों से यहाँ पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था यहाँ पर उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होगी अभी तो हमने बच्चों को यहाँ से निकाला है और बच्चों को अपने सेफ कस्टडी में रखा है Thank you.